अम्मी इतना क्यों घास रही है? पता नहीं, सारा दिन बदपरहेजी करती है, फिर सारी रात ऐसे खांसती है। मैं देख के आती हूँ, जारून भी डिस्टर्ब हो रहा होगा। ना प्लीज देखो। पर जितनी भी खाली टहनी थी ये सारी काट दो, सारी हटा दो यहाँ से। और वो देखो, वो सूखे पत्तों का ढेर पड़ा हुआ है वहां पे, उठाओ सब साफ करो। आए दिन तुम छुट्टी कर लेते हो। दानियाल की छुट्टी है आज क्या? तो ऑफिस चले गए कब से? अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब निकल गया। आपको कैसे पता चलता अम्मी? सारी रात आप खांसती रही है, फजर के बाद जाके तो आप सोई है। खांसी का सिरप तो एमन कुछ कर ही नहीं रहा है, ठीक ही नहीं हो रही खांसी। अरे दानियाल आएगा ना घर, उसे कहूंगी डॉक्टर के पास ले जाए। उसकी जॉब बहुत डिमांडिंग है, आपको थोड़ा तो एहसास होना चाहिए। माएं क्या नहीं करती अपने बच्चों के लिए, आपको तो एहसास ही नहीं है बस में। लेकिन बेटा इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो हर चीज का परहेज कर रही हूँ, मगर ये खांसी जा ही नहीं रही है। सारी रात वो बेचारा आपकी खांसी की वजह से सो नहीं पाया। एटलीस्ट आप कमरे का दरवाजा तो बंद कर ही सकती है ना सोने से पहले। ये तो हो सकता है या नहीं? ठीक है, ख्याल करूंगी मैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो। आज जल्दी आ गए? जी वो दफ्तर में एक मीटिंग कैंसिल हो गई तो फिर सोचा घर ही चला जाता। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बनाए? कोफ्ते, तुम्हारी पसंद के। तुम्हें पसंद है ना? वाह, जब ही तो मैं कहूँ इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है। लेकिन क्या जरूरत थी हमें इतनी मेहनत करने की? इसमें तो बहुत वक्त और मेहनत लगी होगी, थक गई होंगी। अरे नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं थकी। और जब तुम खाओगे शौक से पेट भर के, तो जो इतनी सी थकन है ना, वो भी खत्म हो जाएगी।